आप देख रहे हैं पीपीए 24 टीवी न्यूज। नमस्कार, पीपीए 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। गाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के मोहम्मदाबाद कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार की सुबह सड़क दुर्घटना में ट्रक चालक सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक यह हादसा मोहम्मदाबाद कोतवाली के अहिरौली चट्टी में सुबह करीब 7 बजे राजमार्ग पर हुआ। हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर रास्ता जाम कर दिया। पुलिस के अनुसार बलिया की ओर से एक तेज रफ्तार ट्रक मोहम्मदाबाद की ओर आ रहा था। इसी बीच एक बाइक सवार को बचाने की कोशिश में चालक नियंत्रण खो बैठा और सड़क के बाईं ओर स्थित चाय की दुकान के सामने बैठे लोगों को रौंदते हुए एक झोपड़ी में घुस गया। चाय की दुकान स्थानीय निवासी त्रिलोकी विश्वकर्मा की बताई गई है। इसमें दुर्घटना स्थल पर ही 4 लोगों उमा शंकर यादव 52 वर्ष, पुत्र चंद्रदेव यादव निवासी जीवन दासपुर उर्फ बसाऊ का पूरा थाना मोहम्मदाबाद, वीरेंद्र राम 40 वर्ष, पुत्र रामबचन सत्येंद्र ठाकुर 28 वर्ष, पुत्र हीरा ठाकुर गोलू यादव 14 वर्ष, पुत्र दरोगा यादव निवासी गढ़ अहिरौली थाना मोहम्मदाबाद की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। इसके अलावा श्याम बिहारी कुशवाहा 48, पुत्र दशरथ कुशवाहा और चंद्र मोहन राय 47 वर्ष, पुत्र डॉक्टर भगवान राय गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया है। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात फार्मासिस्ट शिव प्रसाद ने बताया कि चंद्र मोहन राय की इलाज के दौरान मौत हो गई है। वहीं घायल श्याम बिहारी कुशवाहा और ट्रक चालक को जिला अस्पताल से रेफर कर वाराणसी भेज दिया गया था, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने राजमार्ग पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंचे सीओ मोहम्मदाबाद रविंद्र वर्मा, मोहम्मदाबाद कोतवाल अशोक मिश्र ने जाम खत्म कराने की कोशिश की। मौके पर पहुंचे सीओ मोहम्मदाबाद रविंद्र वर्मा, मोहम्मदाबाद कोतवाली अशोक मिश्र ने जाम खत्म कराने की कोशिश की, मगर ग्रामीण किसी बड़े अधिकारी को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़ गए। सुबह 10 बजे जिला अधिकारी एमपी सिंह तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ग्रामीण आरडी चौरसिया मौके पर पहुंच गए। जिला अधिकारी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के इंजीनियर को मौके पर तलब कर ऐलान किया कि इसके विरुद्ध FIR दर्ज होगी।